देश में. तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो भी उनके साथ हुआ बहुत गलत है. हम सब उनके साथ हैं और चाहे जो भी कोई सा भी आर्टिस्ट हो, अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ होता है, हमको लगे कि ये अब बढ़ती जा रही हैं बातें, तो हम इसको आगे तक लेने तैयार हैं, ये मेरा मानना है. ओवर टू रेणुका जी. ने जो जितनी बातें कही, अमित ने बात कही, कमलेश जी ने बात कही, हम यहाँ पे आपके साथ जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि चाहे साहित्य हो और चाहे समाचार हो, ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं. हम आपसे सवाल करने के लिए बैठे हैं कि क्या पिछले 3 दिनों में ये जो घटना घटित हुई किसी भी कलाकार के साथ, क्या ये जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? हमारा ये सवाल है. जब इसके उत्तर मिलेंगे तो फिर हम और आप निश्चित रूप से एक परिचर्चा करेंगे. ब्रजेश, मैं कीकू को मैं करीब 20 साल से जानता हूँ. मित्र हैं मेरे. उनका जो पहला नाटक था, ऑल द बेस्ट नाम का एक नाटक, उसमें मैं और कीकू साथ थे. जैसा कि रेणुका जी ने कहा, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारा बंदा है. ये तो हुई व्यक्तित्व की बात. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा रेणुका जी ने जो कहा उसमें, कि 295 ए कहता है कि इंटेंशनली आप कुछ कमिट करें. रेणुका जी ने यह कहा. उस सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है किसी रिलीजन या किसी रिलीजियस फिगर पे. अब बाबा राम रहीम सिंह साहब जो है वो तो इंसान है ना. हमने भगवान से कुछ नहीं कहा है. और डेरा साचा सौदा एक सेक्ट है और हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया है. दूसरी बात कि ये जो घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इससे हमारे देश की छवि दुनिया के सामने कैसी बनती है यार? कि आप अब कुछ मुंह खोल के आप नहीं 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 बोलोगे आप? मतलब मैं अगर अभी चुप हो जाऊं, आप मुझसे कहे चुप क्यों हो गए, तो मैं उन भाई साहब से कहूं कि नहीं यार, क्या भरोसा, मैं कुछ बोल दूं आपको बुरा लग जाए, नारा सुपा रखे किसी पुलिस स्टेशन में, आप मुझे ले जाए FIR निकलवा के, कितनी दूर है घर, कितने बजे पहुंचूंगा? तो बच्चे हाल आ गए यार. इसमें एक बड़ा सवाल भी है, जैसा सब कह रहे हैं कि जो कहानियाँ, जो विषय जिन पर लेकर कॉमेडी बनती है या कहानियाँ हम बनाते हैं, जिस पर टेलीविजन सीरियल बनते हैं, जिस पर फिल्में बनती हैं, उसका दायरा हम कितना संकुचित करते जा रहे हैं सिर्फ इस बात से कि यार ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए. और कलाकार के मन में अगर ये बात आ जाए, सेल्फ सेंसरशिप जैसी अगर एक बात आ जाए और ये डर छमा जाए कि मैं ये बात मुँह, ये स्क्रिप्ट आया है नहीं, वे मैं लाइन नहीं बोलूँगा, प्रोड्यूसर इसका, और ये एक कलाकार, एक अभिनेता अपना काम कर रहा है जो उससे करवाया जा रहा है, और उसके लिए हो सकता है वो अग्री करता है या नहीं करता, वो इशू में मैं नहीं जा रहा हूँ. मगर जैसा पांडे जी ने कहा कि पूरी संस्था उसके साथ जुड़ी है उस काम से, ऐसा तो नहीं है कि उसके मन में उस समय कुछ आया और उसने कर दिया. और उसको जो सबसे वल्नरेबल है, जिसके पास कोई डिफेंस नहीं है, उसको आप पकड़ के उठा के ले जाते हैं और ऐसे समय ले जाते हैं जब वो कुछ कर नहीं सकता. ये जो बात है, हम एक तरफ तो प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उस डेवलपमेंट में हम इस तरह के इश्यूज पे लेकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. ये समय बर्बाद मैं मानता हूँ, ये होना ही नहीं चाहिए था जो हुआ. हम सबका कलेक्टिव टाइम किस बात पर जा रहा है? एक ऐसी बात पर जो अब से कुछ साल पहले किसी बारे में चर्चा भी नहीं होती. और वो जो उन्होंने किया, वो तकरीबन वही किया जो उन्होंने अपने फिल्म के प्रोमो में वो खुद कर रहे थे बतौर अभिनेता. अब अगर उनके प्रोमो को एक दूसरा एक्टर मिमिक करता है और उससे अगर उस एक्टर का या उस सेक्ट का सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो उनकी फिल्म में वो क्यों अलाउ किया था करने के लिए? तब वो बात उनको हास्यास्पद नहीं लगी थी, अब हास्यास्पद लगने लगती है? तो आई थिंक देयर इज सम रैशनल इन ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंडिंग. आप न्यूज के लोग हैं, आपको अगर कह दिया जाए कि 10 विषयों के अलावा आप न्यूज दिखाएंगे, यू विल नॉट कवर दीज 20 सब्जेक्ट, तो क्या समाज में वो चीजें होना बंद हो जाती हैं उससे? इफ वी शट आवर सेल्फ ऑफ, तो क्या जो जीवन है वो बदल जाता है? तो हम क्या कहानियां, हम किस तरफ जा रहे हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए. कि एस क्रिएटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि आपको कहानियां फिर क्या मिलेंगी, आपको ह्यूमर फिर क्या मिलेगा? सर, बहुत सीनियर एक्टर हैं हमारे, सिंटा के प्रेसिडेंट हैं ओमपुरी साहब, वो बार बार फोन कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपसे बात करना चाह रहे हैं.
स्पीकर अपना माइक है ओम जी ओम जी ओम जी मैं आपको यहाँ पूरी प्रेस है मैं आपको पूरी स्पीकर फोन पर डाल रहा हूँ आप जो भी आप कहना चाहते हो मैं चाहता हूँ कि आप माइक से कनेक्ट करो एक सेकंड ओम जी ओम जी पूरी प्रेस यहीं पर है पूरी क्रिएटिव कम्युनिटी इधर है वो आपसे बात करना चाहते हैं सर आपका इसका इसके बारे में आपकी क्या सोच है कीकू 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 शारदा कीकू कीकू शारदा हेलो हाँ जी हाँ जी भाई ये जो हंगामा हुआ है कि उन्हें कुछ उनकी नकल की है और उससे इतना बवाल हुआ पढ़ाई वगैरह सब चुकी तो ये तो वो तो हमारी राम रहीम जो है वो तो हमारी बिरादरी के हैं उन्होंने फिल्म बनाई है मर्चेंट फिल्म तो उनको तो इतराज होना ही नहीं चाहिए वैसे और दूसरी चीज ये कि टेलीविजन पे गुस्ताखी माफ आता है जिसपे सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी लालू यादव जी कितने लोगों के कैरिकेचर होते हैं तो आप इस तरह से ये तो कुछ थोड़ी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए ना तो मुझे तो ये मुझे जमा नहीं हालांकि मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं है और इस तरह के जो बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं ये जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार हैं और उनसे तो पहले भी वो कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो गुरु गोविंद साहब की ड्रेस पहन के खड़े हो गए थे और सिखों ने बहुत उस पर आवाज उठाई थी और बवाल हुआ था फिर एसजीपीसी से उनको माफी मांगनी पड़ी थी तो ये ऐसे काम तो बहरूपी करते हैं तो उन्होंने क्यों किया था भाई उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहब बन के जो खड़े हो गए थे उनकी ड्रेस पहन के ओम जी थैंक यू ओम जी थैंक यू आपने जो बोला ना आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी लेकिन जो आपने बोला मैं सभी लोगों को मैं ज़रा बोलना चाहूँगा ओके ये किसी ने गुरु गोविंद सिंह पर भी कुछ टिप्पणी लगाई थी ओम जी का ये कहना है कि किसी ने कोई गाली गलौच नहीं किया है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो अमेरिका में भी है जो यहाँ भी है वी आर अ डेमोक्रेसी और उन्होंने एग्जैक्टली गुस्ताखी माफ का भी जिक्र किया अभी कल अश्विनी धीर जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको जेल हो गई थी आप लोग सब जानते होंगे जो जो लापतागंज और चिड़ियाघर के प्रोड्यूसर हैं जो राइटर भी हैं सन ऑफ सदा के डायरेक्टर भी हैं आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए नहीं आए कि उनका किसी ने साथ नहीं दिया द पॉइंट इज दैट एक लास्ट मिनट पे आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं कुछ ना कुछ हुआ है अ स्पूफ इज अ स्पूफ अमेरिका में ग्राउचो मार्क्स ने सबसे बड़े बड़े स्पूफ किए चार्ली चैपलिन ने हिटलर पर स्पूफ किया ओके वुडी एलन ने मतलब दुनिया भर के लीडर्स पे स्पूफ किया एंड आई थिंक वी हैव गॉट एग्जांपल्स ऑफ दीस स्पूफ्स ऑल ओवर हम जितने लोग थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सिनेमा या टेलीविजन के थोड़ा बहुत जानते बट द फैक्ट इज कि यू पिक अप समबडी फ्रॉम द मिडल ऑफ द नाइट
फ्रॉम संक्रमण स्टूडियो यू टेक हिम एंड यू टेक हिम टू हरियाणा. अगर कल मेघना मलिक, और वही मेघना मलिक जो कि हरियाणा में पावरफुल इसी है क्योंकि उसने नाना इस देश लाड़ो में उसने एक अम्मा जी का रोल किया था, इसलिए वहाँ बहुत पावरफुल है, दैट शी टोल्ड देम कि कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, नहीं तो क्या हो जाता कि यू वुड हैव बीन हिट किल्ड. द पॉइंट इज दैट वी एज अ क्रिएटिव कम्युनिटी एंड ऑल दोस यू पीपल होल्डिंग द कैमराज, वी डू नॉट हैव, वी कैन हैव अवर पोलिटिकल अफिलियशन, वी डू नॉट हैव रिलीजियस अफिलियशन, बट द पॉइंट इज ये हुआ है. जैसे राणा जी ने भी कहा था कि ये सब जब बहस हो जाएगी उसके बाद आप लोग के सवाल आएंगे, लेकिन मैं क्रिएटिव कम्युनिटी, अब एक्टरों ने अपनी बात कह ली, डायरेक्टर ने अपनी बात कह ली, एक राइटर के पर्सपेक्टिव पे मैं चाहूँगा कि जमा अभी कुछ कहें. जमा हबीब एज अ राइटर और राइटर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ. सबसे पहली बात यह है कि कलाकार इंटरटेन करने के लिए होता है, हमारा मकसद ही है इंटरटेन करना, किसी को हर्ट करके हम अपनी रोजी रोटी क्यों ख़राब करेंगे, सबसे पहली बात तो यही है. दूसरा, हम सबको ये समझना होगा कि सामाजिक तौर पर हम इवन एज अ राइटर हम जब लिखते हैं तो हम न हिंदी में लिखते हैं न उर्दू में लिखते हैं, हमारी भाषा है महाभारत, हमारी भाषा है रामायण. हम आम जिंदगी में मिसालें देते हैं रामायण से, हम आम जिंदगी में मिसालें देते हैं महाभारत से, हमारी भाषा ही वही है, हमारा कल्चर का हिस्सा है. तो हम क्यों किसी को हर्ट करने के लिए जाएंगे, हमारी लैंग्वेज. अब क्या है कि इस तरह की चीज़ों से हमें हमेशा ऑन गार्ड रहना पड़ता है, हम हमेशा डर के रहेंगे कि ये लिखूँ वो करूँ, ये सबसे बड़ी खराब चीज आने वाली है. दूसरा, हमारा व्यंग का देश है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, हम उनके लिटरेचर को पढ़ के बड़े हुए हैं, हमारे वो रोम रोम में बसा हुआ है, हम उससे आज भाग रहे हैं. हरिशंकर परसाई की एक कहानी है भोला राम का जीव, वो तो मतलब जीव वहां से चले आते हैं, चित्रगुप्त परेशान है, आज की डेट में यहाँ पे हम आज लिखने लगे तो हमें पहली फुर्सत में जेल में डाल दिया जाएगा.